और आप एक नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर पर। सत्ताईस महीने बाद आखिरकार सीतापुर जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली है जमानत। आजम खान को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सीतापुर जेल से रिहा किया, माफ कीजिए, रिसीव किया। अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। जेल से रिहाई के बाद अपने समर्थकों से मिले आजम खान, हाथ हिलाकर आजम खान ने समर्थकों का सलाम कबूल किया। कल सुप्रीम कोर्ट ने आजम की रिहाई के दिए थे आदेश, आजम खान के साथ उनके दोनों बेटे मौजूद रहे। सपा विधायक आजम खान को शिवपाल सिंह यादव ने किया रिसीव, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता गायब रहे। आजम खान की रिहाई पर बोले शिवपाल सिंह यादव, कहा यह न्याय की जीत है, आजम खान की जीत है। सपा नेताओं की गैर मौजूदगी पर बोले शिवपाल सिंह यादव, कहा हम आजम खान के साथ अखिलेश क्यों नहीं आए, ये उनसे पूछ। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का ट्वीट, झूठ के लम्हे होते हैं सदियां नहीं, दूसरे झूठे केस में बाइज्जत बरी होंगे आजम। आजम खान की रिहाई को लेकर जेल के बाहर लगा समर्थकों का जमावड़ा, भारी पुलिस बल की तैनाती रही। यूपी विधानसभा में आज से विधान प्रणाली की शुरुआत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुरू करेंगे विधान प्रणाली। यूपी विधानसभा का पूरा काम अब पेपरलेस होगा, सभी विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए। 23 मई से शुरू हो रहा विधानसभा का बजट सत्र। यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश, यूपी डीजीपी डीएस चौहान और एसीएस के बीच हुई मीटिंग। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, तब तक वाराणसी कोर्ट के फैसला सुनाने पर रोक लगाई। ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, रिपोर्ट में दीवारों पर मंत्र खुदे होने का दावा, साथ ही काले पत्थर के शिवलिंग जैसी आकृति भी मिली। ज्ञानवापी विवाद पर फिरंगी महली का बयान, कहा अदालतों पर भरोसा रखे मुसलमान, सभी से शांति की अपील। ज्ञानवापी सर्वे में कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह ने सुरक्षा को लेकर जताई सुरक्षा की चिंता, विशाल सिंह ने कोर्ट में सुरक्षा की चिंता जताई। ज्ञानवापी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कोर्ट के आदेश का पालन होगा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर कहा आक्रांताओं ने कब्जा कर निर्माण किया। ज्ञानवापी मामले में दूसरी रिपोर्ट भी लीक हुई, रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र किया गया। दूसरी सर्वे रिपोर्ट में मिले सनातन संस्कृति के कई सबूत, बेसमेंट की दीवार में हिंदू कलाकृति। ज्ञानवापी विवाद के बीच एक और शिवलिंग की तस्वीर वायरल, जिस दीवार को तोड़ने की मांग हो रही है उसके पीछे बताई जा रही है ये तस्वीर। ज्ञानवापी पर अखिलेश यादव के विवादित बयान पर बीएचपी का आरोप, अखिलेश यादव पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं का कर रहे हैं अपमान। ज्ञानवापी विवाद के बीच सीएम योगी का ट्वीट, विभाजित होकर बोलने पर दुनिया दबाने का कार्य करती है। महिला सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार का फैसला, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की जिला इकाई का गठन होगा। मथुरा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अयोध्या की रामलीला की तर्ज पर होगा कृष्ण लीला का मंचन। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में लोअर कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट ने स्वीकारी है रिविजन पिटीशन। मथुरा विवाद पर ओवैसी का भड़काऊ ट्वीट, लिखा देश में कानून का कोई मतलब नहीं रहा। जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग की ध्वस्त की जाएगी, जिला प्रशासन जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया। रायबरेली में अखिलेश यादव पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का हमला, बोले अखिलेश यादव की बुद्धि पर पड़ गए पत्थर। ज्ञानवापी विवाद पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कोर्ट का आदेश माना जाएगा। पीएचपी का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप, हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। विधायक अभिजीत सिंह सांगा का ज्ञानवापी मामले पर ट्वीट, लिखा 5 गांव नहीं दिए तो पूरा राज्य खोना पड़ा दुर्योधन को। बिजनौर में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क पर अफसरों की फौज चेकिंग करते हुए नजर आए। जौनपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी की हत्या का खुलासा कर 5 आरोपी गिरफ्तार किए। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत। कासगंज पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर 2 हत्याओं का खुलासा किया। नोएडा में अथॉरिटी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई के विरोध में मंत्री नंद गोपाल नंदी का विरोध करने पहुंचे किसानों को अफसरों ने समझाकर हरौला बारात कर भेजा। ललितपुर में भी शासन की चेतावनी का असर, अब तक 500 अपात्र लोगों ने थाने पहुंचकर राशन कार्ड सरेंडर किए।
झालावाड़ पुलिस ने असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडा फोड़ कर तीन तस्कर गिरफ्तार किए। आजमगढ़ में पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर पुलिस का शिकंजा। शाहजहांपुर में ईंट भट्टे पर चला बुलडोजर, लाखों का कच्चा ईंट किया गया नष्ट। लखनऊ में महापौर का सफाई व्यवस्था का निरीक्षण जारी, लापरवाही दिखने पर मेयर संयुक्ता भाटिया ने लगाया 1,00,000 का जुर्माना। गाजीपुर में चलती स्कूटी में आग लग गई, आग लगने का वीडियो वायरल। लखीमपुर में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा, धूं धूं कर कार जलकर खाक हो गई। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मार दी, बाइक को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से टकरा गई कार। निफ्थारी कांड के 16वें मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय का निरीक्षण किया, जिस दौरान विभाग मंत्री ने 100 दिन में किए गए कार्य की जानकारी ली। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑपरेशन पड़ताल के तहत 24 घंटे में 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपसी इस्तीफे के बाद कर्नल अजय कोठियाल की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हुई तेज। जून के पहले हफ्ते में हो सकता है उत्तराखंड का बजट सत्र, बजट सत्र के लिए तय हुए मंत्रियों के जवाब देने के दिन। 4 महीने बाद जेल से रिहा हुए जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद, यात्रियों की अधिक संख्या के चलते रजिस्ट्रेशन बंद। चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट खुले हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक रीति रिवाज के साथ ब्रह्म मुहूर्त आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट। ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना हुआ, राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। उत्तरकाशी भटवाड़ी की रहने वाली पर्वतारोही सविता कंसाल ने एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की। पौड़ी में पुलिस भर्ती रांसी मैदान में शुरू हो गई है, जिसे निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाने के लिए SSP निगरानी कर रहे। पुलिस भर्ती के दौरान कांस्टेबल ने पत्नी की जगह अन्य महिला को फिजिकल टेस्ट में शामिल कराया। प्री मानसून और आगामी मानसून सीजन को देखते हुए नैनीताल के DM ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम तत्काल खोलने के निर्देश दिए। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का 15 मीटर हिस्सा धंसा। उत्तराखंड स्पेस साइंस एप्लीकेशन सेंटर प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए अनोखा तरीका खोजने का दावा कर रहा है। भारत में 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ पूरा, IIT मद्रास में परीक्षण हुआ। भारत में इस साल सितंबर अक्टूबर से स्वदेशी 5G सेवा शुरू हो जाएगी। PM मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में शामिल होंगे। LAC विवाद पर विदेश मंत्री का बयान, का LAC को लेकर चीन से बातचीत जारी। दुनिया को PM मोदी बड़ा तोहफा देंगे, उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी और ऐप की कर सकते हैं लॉन्चिंग। PM मोदी जयपुर में BJP की बैठक को संबोधित कर रहे हैं, वर्चुअली PM का संबोधन। BJP अध्यक्ष JP नड्डा का 3 दिवसीय जयपुर दौरा, आज राजस्थान BJP के बड़े नेताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम। JP नड्डा के राजस्थान दौरे के दौरान देखिए सियासी तस्वीर, BJP प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया एक साथ नजर आए। PM मोदी 24 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्वराज से नया भारत पर 3 दिवसीय सेमिनार। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने शिरकत की। राहुल गांधी फिर गए विदेश, कांग्रेस के चिंतन शिविर से ठीक पहले विदेश से लौटे थे राहुल। 34 साल पुराने रोडरेज मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी पेगासस मामले की सुनवाई, चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ सुनवाई करेगी। अफगानिस्तान में न्यूज एंकर के लिए तालिबान का नया फरमान, चेहरा ढककर न्यूज पढ़ेंगी टीवी न्यूज एंकर। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच दवाइयों की कमी, हालात न सुधरने पर मेडिकल कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी। मेक्सिको में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पेरू की राजधानी लिमा में पुलिस और खनन मजदूरों के बीच झड़प, मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भिड़ंत हो गई। अल साल्वाडोर की नौसेना की बड़ी कार्रवाई, लॉकॉन्कॉर्डिया में 810 किलो ड्रग्स की खेप बरामद की। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बड़ी चेतावनी, जो बाइडेन के दक्षिण कोरिया जापान दौरे से पहले मिसाइल परीक्षण कर सकता है उत्तर कोरिया। वैश्विक खाद्य संकट पर UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की रूस से अपील, यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज के निर्यात को बहाल किया जाए। बीजिंग में कोरोना के मामलों में कमी आई, पिछले 24 घंटे 50 मामले आए सामने। ब्राजील के सेंट कैटरीना समेत कई शहरों में तूफान के साथ बर्फबारी ने दस्तक दी। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 86वां दिन, खार्कीव में रूसी सेना लगातार कर रही है स्ट्राइक। मारियुपोल में रूसी हमलों के बीच जारी यूक्रेन का रेस्क्यू ऑपरेशन, यूक्रेन के साथ स्वास्थ्य कर्मी ने बॉडी कैमरा से रिकॉर्ड किया तबाही का मंजर। डोनबास में रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब, ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद लोग अपना आशियाना नहीं छोड़ रहे। 6
86 दिन से जारी युद्ध के बीच अपने घर लौट रहे हैं यूक्रेनी नागरिक। लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के हमलों के हालात को देखते हुए पुल उड़ाया। कीव में खुला अमेरिकी दूतावास, जंग की वजह से पिछले 3 महीने से बंद था अमेरिकी दूतावास। युद्ध के बीच यूक्रेनी सैनिकों ने छोड़ा अजोवस्टल स्टील प्लांट। मरियुपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट पर रूस लगातार कर रहा है मिसाइल अटैक। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, पिछले 24 घंटे में अजोवस्टल स्टील प्लांट पर 771 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। यूक्रेन में युद्ध अपराध के मुकदमे के दौरान रूसी सैनिक ने माफी मांगी। विराट कोहली की तूफानी पारी के दम पर आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। गुजरात के खिलाफ विराट कोहली ने बनाया लगातार दूसरा अर्धशतक। भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता। कांस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन रेड कार्पेट पर दिखी बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां। 51 साल बाद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद का बनेगा रीमेक। आलिया भट्ट हॉलीवुड फिल्म की शूट के लिए रवाना हुई, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर जानकारी दी। कमल हासन की फिल्म विक्रम का हिंदी में ट्रेलर रिलीज, फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मलाइका अरोड़ा की नई तस्वीरों ने तहलका मचाया, सोशल मीडिया पर शेयर की नए फोटोशूट से जुड़ी तस्वीरें।